सर मेरा चेक लेके सेम डे डिपॉजिट किया तो पार्टी आएगा बैंक टू प्रदीप बैरर चेक रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड है ना सेम डे तो बैंक अकाउंट कोई भी चेक सेम डे आया और बैंक में डिपॉजिट किया तो विच अकाउंट यू विल यूज बैंक सेम डे आया और बैंक में गया ना तो बैंक इज द रिसीवर गॉट इट तो बैंक टू बाय बाय कमीशन नोट्स अभी रहने दे शॉर्ट में लिख दो ना दो मिनट तो लगता है सर गिव चैरिटी दिया चैरिटी को बाय चैरिटी बाय चैरिटी अकाउंट और बाय डोनेशन अकाउंट सॉरी बाय चैरिटी और बाय डोनेशन चलो सेंड्री सेंड्री एक्सपेंस भी लिख सकते हैं डोनेशन चैरिटी हम लोग सर चैरिटी में मानते चैरिटी अकाउंट डोनेशन अकाउंट और सन्ड्री एक्सपेंस सिर्फ बैरर चेक रिसीव होता है बैंक टू प्रदीप इज द एंड नरेशन शॉर्ट में लिखना फटाफट बैंक खुद से आना चाहिए हाँ छापो मत किसी का नहीं आ रहा है तो आस्क मी अदरवाइज यू आर वेस्टिंग टाइम सिंपली कॉपी कर रहे हैं फटाफट भागने के लिए ना डजंट मेक सेंस डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग यू आस्क मी सन्ड्री एक्सपेंस भी चलेगा चैरिटी और डोनेशन अकाउंट इज ऑल्सो पेपर में बैंड बजाया त्रिशा तो खतरनाक फेल हुआ था बहुत वाट लग गया पेपर लेके अभी दे रहा है एचआर का दोनों 29 एंड हाफ उनको कम है पास होने का पास होने का तो फिर यू वुड हैव जॉइंट सोमैया ओनली व्हाई यू हैव जॉइंट एनएस व्हाट इज दिस एटीट्यूड पास होने का दिमाग में बैठ जाएगा ना पास होने का सच्ची में और पासिंग जितना ही मार्क्स आएगा बोर्ड्स तक वही घसीट जाएगा फिर रिमूव दैट थिंग फ्रॉम योर माइंड वो तुम बोलते रहेगा ना सबकॉन्शियसली फिट हो जाएगा फिर ब्रेन भी बोलेगा अब छोड़ दे पढ़ाई पास होने का होएगा ही नहीं फिर पढ़ाई लीव दैट एटीट्यूड यू हैव टू स्कोर पासिंग का एटीट्यूड पास तो तुम ऐसे ही हो जाएगा क्लास नहीं करेगा ना तो तुम लोग ऐसे ही पास हो जाएगा गारंटी दे रहा हूँ लिख के दे रहा हूँ चाहिए तो ऑल विल पास इवन विदाउट ज्वाइनिंग मैथ्स क्लास अकाउंट क्लास इको क्लास पूरा बोर्ड सब कुछ पास हो जाएगा इको का वैसे भी नहीं इट इज फॉर स्कोरिंग स्कोरिंग इज व्हाट मैटर्स तो आगे वैल्यू बनेगा तुम्हारा
तो क्या है फिर अरे मैंने एक ही बात पूछा करेंगे अरे एंट्रीज आ रहे आ रहा है कि छाप के आ रहे खुद से आना चाहिए सेम कॉल कैश है तो कैश बैंक है तो बैंक कैश आया हुआ चेक कौन से कॉलम में था वो देखते कैश बैंक में डिपॉजिट नहीं किया 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 तो फिर बैंक देखो पहले बिना से जो चेक आया था वो कैश में लिखा जिन्होंने फिर डिपॉजिट किया अभी डिसऑनर के बाद बैंक कॉल समझा बिना से पहले चेक आया कैश में लिखा फिर डिपॉजिट किया तो बैंक टू कैश और फिर डिसऑनर हुआ तो बाय बिना बैंक कॉल डिपॉजिट हो गया है ना अभी तो किया लास्ट समय अभी डिपॉजिट कर दिया है इसके लिए बैंक कॉल नहीं किया होता तो कैश कॉल बिना डिपॉजिट कर पहले तो आया पहले कैश टू बीना फिर बैंक टू कैश पहले कैश टू बीना पहले का कैश टू बीना फिर डिपॉजिट बैंक टू कैश बैंक टू कैश आई टू गॉपिंग कृष्णा अरे वन एंट्री थ्री एंट्री अरे कैपिटल का नरेशन ये ही हैज नॉट डन वेल आर्शो का गया है जैनम का भी मिस्टेक्स है मनन का बैंड बज गया बहुत खतरनाक वेरी गुड 29 इसको देखो बेचारा 8 दिन से नहीं आया बीमार था 27.5 years को आउट ऑफ कुछ बीमार नहीं था सर मैंने नहीं दिया तो ऐसे टाइम पास कर रहा था सर इसका भी अच्छा है 28 अरे एंट्री क्या है बाय बीना ऑपोजिट साइड बीना का बाय बीना पार्टी है रिवर्स का डिस्काउंट 34 सेम कॉलम टाइम कॉलम
सर कॉलम सेम आएगा ना बैंक बाय बिना बैंक कॉलम आएगा वो क्यों आएगा संध्या पहले तो कैश था बट बाद में डिपॉजिट किया है बैंक में इसके लिए बैंक डिपॉजिट नहीं किया होता तो बुरा भी बैलेंस क्या है एंट्रीज कर लिया सबने एंट्रीज चेक कर लो सीधा एंट्रीज फर्स्ट वन चेक चेक फर्स्ट कैश बैलेंस है बैंक ओवरड्राफ्ट लास्ट वाला मैं कर रहा हूँ फिर सेकेंड लास्ट तक हो गया ना सब देखो कैश बैलेंस टू बैलेंस बीडी कैश कॉलम 29,000 बाय बैलेंस बीडी बैंक कॉलम 5,000 बराबर डिपॉजिट इनटू बैंक सो बैंक टू कैश टू कैश बैंक कॉलम 6,000 एंड बाय बैंक कैश कॉलम 6,000 कॉन्ट्रैक्ट टू कैश बैंक कॉलम एंड बाय बैंक कैश कॉलम देन बॉट एडिशनल कैपिटल एंड डिपॉजिटेड द सेम इन द बैंक एंट्रीज बैंक टू कैपिटल सो टू कैपिटल बैंक कॉलम टू कैपिटल बैंक कॉलम 15,000 ऑल ऑफ यू गॉट दिस पेड टू शांतनु इन सेटलमेंट सो बाय शांतनु अकाउंट बैंक कॉलम 19,800 एंड डिस्काउंट रिसीव्ड कार्ड 200 विल गो इन नोट बराबर पेड कमीशन टू सेल्समैन बाय कमीशन अकाउंट कैश कॉलम 3,250 करेक्ट देन रिसीव्ड अ बेरर चेक फ्रॉम प्रदीप एंड डिपॉजिटेड इट इन टू बैंक सेम डे चला गया ना बैंक में तो बैंक टू प्रदीप सो टू प्रदीप बैंक कॉलम 1,000 मिला टू प्रदीप बैंक कॉलम 12,000 टू प्रदीप बैंक कॉलम 1,000 सर प्रदीप क्यों तो और क्या है प्रदीप नाम दिया है अरे तो सीधा कैश टू बैंक ना अरे कैसा कैश टू बैंक अरे सॉरी बैंक टू कैश बैंक टू कैश कभी आता है जब पहले मिला हुआ चेक आज डिपॉजिट किया ना तभी आता है ये तो क्या इमीडिएटली प्रदीप से चेक आया और बैंक में डिपॉजिट रिसीव्ड अ बेरर चेक फ्रॉम प्रदीप बेरर चेक रिसीव किया तो कैश आया और बैंक में डिपॉजिट किया तो हाँ तो दैट्स व्हाट टू एंट्रीज आर नॉट सपोज टू पास बिकॉज इट इज डिपॉजिटेड ऑन द सेम डे बैंक टू प्रदीप कैश गेट्स नलिफाइड अगर ऊपर बेरर चेक आता और बाद में डिपॉजिट होता मतलब जब पार्टी का नाम दिया होता है और वही डिपॉजिट होता है तो पार्टी का नाम सीधा बैंक टू फाइल कैश नहीं आएगा सेम डे डिपॉजिट है ना तो बैंक इज द रिसीवर एंड प्रदीप इज द गिवर हेलो समझा कि नहीं वंस अगेन आई रिपीट देखो एक मिनट ध्यान से देख लो ये सुनो सब लोग सुनो रिसीव्ड अ बेरर चेक फ्रॉम प्रदीप सिर्फ इतना दिया होता लास्ट बेंच 12th वन लिसन ऑल ऑफ यू पार्श्व रिसीव्ड अ बेरर चेक फ्रॉम प्रदीप सिर्फ इतना दिया होता देन कैश टू प्रदीप Then it would have been cash to Pradeep. But यहाँ पे क्या दिया है? Received a bearer check from Pradeep and the same was deposited with the bank. Same day bank में चला गया ना? तो bank is the receiver. So bank to Pradeep. Cash to Pradeep, bank to cash, दो entries करने का नहीं, एक ही. Bank to Pradeep. Story over. समझा अभी? पक्का? Hello? सिर्फ bearer check received होता from Pradeep, तो cash to Pradeep. रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड है तो बैंक टू प्रदीप ओके नाउ ये चैरिटी टू ओल्ड एज होम सो बाय चैरिटी अकाउंट या बाय डोनेशन या बाय सन्ड्री एक्सपेंस भी चलेगा कैश कॉलम 1500 बाय सन्ड्री एक्सपेंस या बाय चैरिटी 1500 कैश कॉलम मिला परचेज गुड्स एट 2% सीडी 15,000 का 2% होता है 300 नेट इज 14,700 एंट्री इज बाय परचेज अकाउंट कैश कॉलम 14,700 बराबर है बाय परचेज कैश कॉलम 14,700 मिला सोल्ड गुड्स फॉर कैश 10,000 2.5% सीडी टू सेल्स कैश कॉलम 9,750 इश्यूड अ चेक 22302 एडवर्टाइजमेंट फॉर एडवर्टाइजमेंट बाय एडवर्टाइजमेंट बैंक कॉलम 2230 रिसीव्ड अ बेरर चेक एंड डिस्काउंट अलाउड सो टू बीना कैश कॉलम बीना वाला एंट्री सुनो ध्यान से टू बीना कैश कॉलम 3450 एंड 50 rupees विल गो इन नोट कैरेज पेड सो बाय कैरेज कैश कॉलम 150 डिपॉजिटेड द चेक रिसीव फ्रॉम बीना इन टू बैंक इट इज बैंक टू कैश सो टू कैश बैंक कॉलम बाय बैंक कैश कॉलम 3450 टू कैश बैंक कॉलम बाय बैंक कैश कॉलम 3450 मिला समझा अभी पेड सैलरी एंड रेंट सो बाय सैलरी कैश कॉलम 6600 बाय रेंट कैश कॉलम 3200 करेक्ट एंड चेक रिसीव फ्रॉम बीना डिसऑनर्ड सो ऑपोजिट साइड बाय बीना 3450 विच कॉलम बैंक बाय बैंक यू गॉट इट
Why bank? Because it was deposited. Deposit nahi kiya hota then it would have been cash. Acha, reversal of discount aayega? Will there be reversal of discount? Yes. Kitne ka discount reverse hoega? 50 ka. That will go in note. Reversal of discount will go in note. All of you clear with Bina ka part? Last part. Check. Acha, ho gaya. Aur kuch hai nahi. Kar lo balance kar lo. Kitna hai? Balance की total. नहीं total. Balance. Balance क्या? Balance 3350. Cash का balance is 3350. Check करो. Total is 42200. 42200 हाँ. Cash का total 42200. Balance is 3350. और time? 30480 is the total of bank. 10,030. Total debit है. Cash का भी debit बढ़ा है. Bank का भी debit बढ़ा है. Debit minus credit कर. 30. बैंक का क्रेडिट बढ़ा है वो इधर आएगा टू बैलेंस सीडी आएगा देखो बैलेंस है ना देख लो बैलेंस ऐसा आएगा टेल मी द टोटल ऑफ कैश कैश 42200 टोटल ऑफ कैश बोर्ड पे देखना बैलेंस 42200 कैश का डेबिट बढ़ा है इधर आएगा बाय बैलेंस सीडी कितना 3350 बैंक का क्रेडिट बढ़ा है इधर 30480 ये टोटल इधर 30480 इधर आएगा बैलेंस तो क्या लिखने का टू बैलेंस सीडी कितना सर 30,480 माइनस 5,030 अभी नेक्स्ट मंथ में कैसा लिखने का ये बैलेंस सीडी है ना ये क्या बनेगा बैलेंस बीडी बाय का टू लेकिन कैश कॉलम 3350 और ये टू बैलेंस सीडी है ना ये क्या बनेगा नेक्स्ट मंथ में बाय बैलेंस बीडी 5080 बैंक कॉल 5030 बैंक कॉल समझाइए ये बाय का टू और टू का बैंक में कैश में नॉर्मल था बैंक में ओडी था यहाँ दिस इज क्लियर क्रेडिट वॉज ग्रेटर देन डेबिट दिस इज ओवरड्राफ्ट हेलो नीला वी स्टॉप एक होमवर्क है सम नंबर ट्यूजडे दिखाना है सम नंबर 15 सम फर्स्ट सम नंबर 15 इज फॉर होमवर्क 1515 वेरी इंपॉर्टेंट सम 15 सम इज फॉर होमवर्क ट्यूजडे